Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like and comment. नमस्कार, मैं शारदा, शारदा किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे चाट की रेसिपी लेकर आई जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि पानी पूरी का तीखा मसालेदार पानी और मीठा पानी। पानी पूरी की रेसिपी मैंने अलग वीडियो में दिखाई है, इसके लिए आप आई बटन पे जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भेजी है। बिल्कुल मार्केट जैसी बन गई है। मुझे तो मेरे माँ के हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। आधा चम्मच नींबू रस, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के लिए थोड़ी सी चीनी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर मैंने रोस्ट करके बारीक करके लिया है, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काला नमक, 1/4 चम्मच हींग, 1 कप पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्च और 2 कप हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये पुदीना के पत्ते, इसे मैंने अच्छी तरह से 2 पानी से धोकर लिया है। ये हरा धनिया के पत्ते, इसे भी मैंने 2 पानी से अच्छी तरह से धोकर लिया है। हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, टेस्ट के लिए थोड़ा सा चीनी, इसे हमें ग्राइंड करके लेना है, इसकी पेस्ट बनाना है। ये दाना पीस लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से हमारी पेस्ट बन जाए। इसे भी हमें अच्छी तरह से पीस कर लेना है, इसे हमें निकाल लेना है। ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी है। ये इसमें हमें पानी ऐड करना है, तीखे पानी में। चार से पांच ग्लास आराम से इसमें पानी ऐड हो सकता है। ये नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर, हींग, काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये नमक, ये सारे मसाले हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। कितना बढ़िया कलर आ चुका है। ये पानी पूरी का ठंडा तीखा और मसालेदार पानी ये रेडी है। ये हमारा तीखा पानी तो रेडी है, अब हम मीठा पानी बनाने की विधि देखेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने 1 कप इमली लिए और 2 कप गुड़ लिए, इसे हमें कढ़ाई में लेना है। गैस को ऑन करना है, इसमें थोड़ा पानी डालना है इमली और गुड़ अच्छी तरह से पकने के लिए। इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। ये 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर देना है। इसे हमें छाननी से छान लेना है, इसमें हमें निकाल देना है। एक बार इसे छान के लिया है मैंने, इसे हमें फिर से गर्म करके लेना है। इसमें भी हमें थोड़ा पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से गर्म करके मिक्स कर लेना है। इसे हमें 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर से हमें इसे छन्नी से छान लेना है, इसमें हमें निकाल लेना है।
इसे मैंने दो बार छान के लिया है, आप चाहो तो तीन से चार बार ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हो। यह हमारी इमली और गुड़ का पानी रेडी है, इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यस, हमारे दोनों पानी रेडी है। मुझे पूरा यकीन है आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया। इस प्रकार आप जल्दी से वीडियो देखने के बाद अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। दोनों पानी की टेस्ट एकदम परफेक्ट है, फिर भी आप इसे टेस्ट करके देख सकते हो। ये सारे पूरी में मैंने अच्छी तरह से मटेरियल भर लिया है पूरा। इसमें प्याज, आलू, सेव और सफेद चने, इसके ऊपर से हमें थोड़ा मीठा पानी डालना है। परोसते समय मेरे मुंह तक पानी आ रहा है और इसे हमें तीखे पानी में ऐसे करके लेना है और मुंह में सीधे डाल देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।